जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीन स्कूल डॉट कॉम में। दोस्तों क्रिप्टो मार्केट एक बार फिर से यहां पर पूरी तरह से क्रैश हो गया है। और दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी के सामने यही है कि ये जो आज क्रिप्टो क्रैश में सबसे बड़ा क्रैश आया है, क्रिप्टो में सबसे बड़ा डिप आया है, क्या इसके बाद दोस्तों हर बार की तरह क्रिप्टो मार्केट रिकवर होने वाला है और आने वाले कुछ घंटों में क्या ये आपको 20%, 25%, 30% तक का प्रॉफिट देकर चला जा सकता है। तीन बिगेस्ट रीजन, सबसे बड़े रीजन जिसकी वजह से क्रिप्टो में लगातार डिप दो दिन से चल रहा है, चलिए इसके बारे में तो पता चल ही गया, इसके बारे में यहां पर बात करेंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों जो भी लोग इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं, भले ही क्रिप्टो मार्केट में यहां पर बड़ा डिप आया है, लेकिन आपके पास मौका है up to $15,000 के क्रिप्टो विन करने का बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों यहां पर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास शिबा इनू कॉइंस को भी विन करने की, वो भी दोस्तों 200 करोड़ शिबा इनू कॉइंस का बिगेस्ट गिव अवे। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को कुछ ना कुछ BTC बिल्कुल फ्री में यहां पर मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ शिबा इनू कॉइंस बिल्कुल फ्री में यहां पर मिल सकते हैं। जो भी वीडियो देखिए दोस्तों, गिव अवे में ये होता है कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स को मिलता है, लेकिन दोस्तों यहां पर इस वीडियो में जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को कुछ ना कुछ यहां पर शिबा इनू कॉइन बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं। इस सभी के बारे में यहां पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही उसके पास थोड़ा बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि डेली बेसिस पर लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट यहां पर हम आपको देते रहे। तो चलिए अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो बात करेंगे कि क्रिप्टो क्रैश में सबसे बड़ा डिप अभी तक का क्यों आया और क्या ये लगातार चलने वाला है या दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में एक बार फिर से यहां पर रिकवरी होगी। इसके तीन बड़े रीजन क्या है जो डिप आया है, और इसके साथ साथ उसके बाद बात करेंगे कि गिव अवे अमाउंट आप यहां पर कैसे विन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह रखना होगा कि क्रिप्टो में जो क्रैश आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, यह कोई पहली बार नहीं है, चाहे वो दोस्तों क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो दोस्तों शेयर मार्केट हो, ये अप्स एंड डाउन्स दोस्तों किसी भी मार्केट में चलते ही चलते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों शेयर मार्केटिंग, क्रिप्टो मार्केटिंग, ये सारी की सारी चीजें काफी रिस्की मानी जाती हैं। इसीलिए दोस्तों यहां पर काफी सारे लोग हैं जो भले ही दोस्तों बैंक 5%, 5.5% का इंटरेस्ट रेट देते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाते हैं तो अपना पैसा बैंक में ही रखना पसंद करते हैं, भले ही वहां पर उन्हें 4% सालाना का इंटरेस्ट रेट ही क्यों ना मिले, वहां पर वो शेयर मार्केटिंग या क्रिप्टो मार्केट की तरफ नहीं जाते। दूसरी तरफ के लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पसंद करते हैं, शेयर मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, क्रिप्टो मार्केटिंग की तरफ जाते हैं और यहां से बहुत मोटा पैसा बनाते भी हैं। लेकिन दोस्तों यह भी बात निश्चित है कि इस मार्केट में लोगों को लॉस भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है आपको आज की डेट में लॉस हो रहा है तो कल के दिन को उससे आप बड़ा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आपको बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, कल के दिन को उसमें आपको लॉस भी मिल सकता है। दोनों ही चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी जानना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिप्टो मार्केट में पैसा कमाने के लिए इससे अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। डे बाय डे आप अपडेट रहेंगे तो यहां से भले ही आज की डेट में आपको लॉस हो जाए, कल के दिन को यहां से बहुत तगड़ा पैसा आप कमा सकते हैं, यह हमेशा देखा गया। इसी के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए पहले जो बिटकॉइन का प्राइस गिरा था, बिटकॉइन का प्राइस अच्छा खासा $62,000 तक पहुंच गया था, हम सभी को पता है, और इसका प्राइस $3,00,000 तक जाएगा ऐसा दोस्तों बिल्कुल उम्मीद की जा रही थी 2021 के एंड तक। लेकिन सडनली हुआ क्या दोस्तों, एक बिग व्हेल आया, बिग व्हेल जिसका नाम एलन मस्क था, और उसने दोस्तों क्रिप्टो को यानी बिटकॉइन को पूरी तरह से यहां पर क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर जब उसका मैनिपुलेशन यहां पर खत्म हुआ तो दोस्तों चाइना ने करना शुरू कर दिया। चाइना में पूरी दुनिया का जो बिटकॉइन का माइनिंग है वो 65% से 70% तक माइनिंग होता है, और दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है जब चाइना यहां पर बिटकॉइन को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रहा है या क्रिप्टो करेंसीज को यहां पर मैनिपुलेट कर रहा है। चाइना ने ऐसा पहले भी किया है, 2017 में भी किया है जब बिटकॉइन बहुत ऊपर तक चला गया था और बिटकॉइन की जो कीमत थी $20,000 से $3,000, $3,500 तक लाने में चाइना वहां पर कामयाब रहा था। इसका कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि आपको पता ही होगा कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है इस बात में बहुत बिलीव करती है कि वो कैसे भी करके पैसा कमाए और दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की करे। दोस्तों चाइना अच्छी तरह से जानता है कि यहाँ पर जो अप था उसे पता था कि उसने 65% से 75% BTC जो है यहाँ पर माइनिंग करता है, तो दोस्तों उसे पता था कि इस समय पर जो भी उसके पास बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज थे वो वहाँ पर निकाल दे और उसके बाद अगर मार्केट में डिप लेकर आए तो यहाँ पर उसे बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। उसे पता था कि उसके पास उतनी कैपेसिटी है कि वो अगर डिप लाना चाहे कल के दिन को क्रिप्टो मार्केट में तो वो आ सकता है। उसने वैसा ही किया, जब टॉप पर चल रही थी क्रिप्टो करेंसीज तो उसने जितने भी होल्ड किए हुए थे चाइनीज गवर्नमेंट ने या दूसरे वहां के जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने वो बेच दिया और उसके बाद
यहां पर उन्होंने लगातार मैनिपुलेशन करना शुरू करा। उन्होंने सबसे पहले तो दोस्तों जितने भी वहां पर क्रिप्टो माइनिंग थी उन्हें कार्बन प्रोडक्शन का बहाना लेकर न्यूज फेक न्यूज पहुंचाने का वहां पर काम किया गया कि चलिए हम बिटकॉइन की माइनिंग यहां पर कम करेंगे, जिससे दोस्तों बिटकॉइन की माइनिंग वहां पर कुछ समय के लिए पूरा वहां पर लाइट वगैरह देनी बंद कर दी इन्हें। तो दोस्तों वहां पर क्या हुआ, जितने भी बिटकॉइन माइनर्स थे उन सब की माइनिंग जो बंद हुई, तो दोस्तों बंद होने की वजह से बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहां पर बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से बिटकॉइन में एक बड़ा डिप पहले भी आया था। लेकिन इस बार फिर से दोस्तों यहां पर चाइना नहीं रुका, क्योंकि उसे और डिप लाना है यहां पर क्रिप्टो करेंसीज में, और एक बार फिर से उसने कुछ बड़े न्यूज अपडेट देना शुरू करे। अगर चाहे चाइनीज गवर्नमेंट तो बिना ये न्यूज अपडेट दिए भी चुपचाप से अपने यहां पर बिटकॉइन माइनिंग को क्लोज करवा सकती थी, लेकिन उसने बिटकॉइन माइनिंग को क्लोज नहीं करवाया। बिटकॉइन माइनिंग वहां पर लगातार जारी है, लेकिन इसके बारे में न्यूज फैलाना शुरू कर दिया। चाइना सेज बैंक्स मस्ट ब्लॉक क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस मार्केट फॉल्स। चाइना सेंट्रल बैंक सेज इंस्टीट्यूशंस मस्ट नॉट प्रोवाइड ट्रेडिंग क्लियरिंग एंड सेटलिंग ऑफ क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। द पीपल बैंक ऑफ चाइना, पीपल बैंक ऑफ चाइना वहां का जो है सेंट्रल बैंक है, ऑन मंडे टोल्ड द कंट्री मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू स्टॉप फैसिलिटेटिंग वर्चुअल करेंसी ट्रांजैक्शन इंक्रीजिंग द नेगेटिव सेंटीमेंट इन क्रिप्टो मार्केट। बैंक्स मस्ट नॉट प्रोवाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सच एज ट्रेडिंग क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फॉर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, द PBOC सेड। वहां के जो है सेंट्रल बैंक ने ये बात बोली है कि बैंक्स जो है वो ऐसी कोई सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करवानी चाहिए जो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, क्लियर से रिलेटेड हो, या सेटलमेंट से रिलेटेड हो, क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड हो। दे ऑल्सो हैव टू मेक श्योर टू आइडेंटिफाई virtual currency exchanges and over the counter dealing capital accounts and cut off the payment link for transaction funds in the timely manner, it said. उसने कहा कि जितने भी एक्सचेंज हैं क्रिप्टो से रिलेटेड बैंक्स जो हैं उनसे अपना नाता तोड़ देंगे, और जो बैंक्स पूरी की पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं इन क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को उसे छोड़ दिया जाए। क्रिप्टो करेंसीज फेल विद बिटकॉइन ट्रेडिंग नियर 32,000 एंड ईथर ड्रॉपिंग बिलो। अब दोस्तों इसका परिणाम यह हुआ कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $30,000 से भी नीचे चला गया। While the PBOC anti-crypto bias is not new, the latest statements come after consultation with the industry and Commercial Bank of China, Agriculture Bank of China, Constructions Bank, Postal Saving Bank, Industrial Bank and Alipay China Networking Technology on the issue. The central bank noted the hype surrounding virtual currencies transactions and identified them as a risk or illegal cross-border transaction and money laundering and a challenge of the economic and financial order. Financial institutions and banks have agreed to take necessary steps in line with the PBOC guideline, it said. The Postal Saving Bank issued a statement saying it will take steps to prohibit virtual currencies related business activities. तो दोस्तों यहां पर सारे के जो सारे जो banks हैं इन्होंने central bank का कहना मान भी लिया, और वो बोल रहे हैं कि ठीक है हम cryptocurrencies transactions को रोकने के लिए जो major steps हैं हमारी तरफ से वो सभी steps लेंगे और cryptocurrencies transactions को यहां पर रोकेंगे, और ये बहुत बड़ी बात हो गई। जैसे ही ये पूरे का पूरा अपडेट आया चाइना की तरफ से, तो दोस्तों पूरे का पूरा क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर बिटकॉइन मार्केट फॉल कर गया, पूरी दुनिया का यहाँ पर फॉल कर गया। हालांकि इसमें अच्छी बात क्या है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों क्योंकि 2017 में भी कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट चाइना की तरफ से जारी किए गए थे जिसके बाद क्रिप्टो मार्केट में बिग गैस क्रैश आया था, और दोस्तों जब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा था तब दोस्तों यहाँ पर चाइना ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। ये सारी की सारी चीज़ें इसी तरफ यहाँ पर संकेत कर रही हैं कि कुछ फेक न्यूज़ यहाँ पर मार्केट में फैलाए जाएँ, बिटकॉइन के मार्केट को बेहद मैनिपुलेट किया जाए, और जितने भी दूसरे अल्टकॉइंस हैं उनके प्राइस को भी, और यहां पर बिटकॉइन और दूसरी जो क्रिप्टोकरेंसीज हैं उनके प्राइस को यहां पर कम किया जाए। इसके अलावा चाइनीज लॉजिस्टिक फर्म एयरलिफ्टिंग बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स टू मैरीलैंड रिपोर्ट। एक छोटी सी यहां पर अपडेट आया, यहां पर एक बड़ा काम करा दिया चाइना ने, और उसके बाद उसे न्यूज में प्रकाशित करा दिया कि कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ माइनर्स दैट गेट शिप्ड रेगुलरली इट इज जस्ट अ स्मॉल बैच माइनिंग सोर्स ओल्ड CoinDesk। तो उन्होंने बोला कि चाइना का एक छोटा सा जो फर्म है उसकी जो मशीन्स हैं वो सारी की सारी मशीन्स यहाँ से एयरलिफ्ट करके मैरीलैंड भेजी जा रही हैं। अब ये मैरीलैंड क्या है, मैरीलैंड USA का एक छोटा सा यहाँ पर पार्टिसिपेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही होगा कि फ्रांसिस्को के मेयर ने भी जब चाइना में ये न्यूज़ आया था तो दोस्तों वहाँ पर खुलकर उन्होंने बोला था कि चाइना के जितने भी माइनर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएँ फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा जो कि USA का ही एक स्टेट्स है, और हम यहाँ पर बिटकॉइन माइनिंग के लिए आपको अनुमति देते हैं। यानी दोस्तों USA भी एक बड़ा पार्ट यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में प्ले करता है, और दोस्तों USA यहाँ पर इन माइनर्स को ऑफर्स कर रहा है कि अगर चाइना यहाँ पर नहीं आपको काम करने दे रहा है तो आप USA में आकर काम करें, आपको बिल्कुल यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर बिटकॉइन की माइनिंग आप लगातार यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने यूनिस्यून जो है
इन्होंने ट्वीट करके भी ये जानकारी दी कि चाइना लॉजिस्टिक फर्म इन गांगजाऊ कन्फर्म्स टू सीएनबीसी इट्स एयरलिफ्टिंग 3000 केजी यानी 6600 एलबीएस बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स टू मैरीलैंड यूएसए। फंगवा इंटरनेशनल एडवर्टाइजेज प्रोडक्ट डिलीवर टू डोर टैक्स ऑन बोथ एंड्स क्लियर प्राइस पर किलो एज लो एज $9.37। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कंफर्म कर दिया मैरीलैंड जो कि यूएसए का एक पार्ट है यहाँ पर ये जो बिटकॉइन माइनिंग मशीन है यहाँ से यहाँ पर ले जाई जा रही है जिससे वहाँ पर ले जाकर इसका बिटकॉइन माइनिंग किया जा सके। यानी दोस्तों यहाँ पर ये बात साफ है कि इस समय बिटकॉइन को रोकने की जो कोशिश कर रहा है वो अकेला चाइना ही इस कंट्री है और चाइना इसलिए यहाँ पर बिटकॉइन को रोकने की कोशिश कर रहा है। आपको साफ साफ पता है चाइना एक बार फिर से यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आएगा जब बिटकॉइन का प्राइस बिल्कुल फॉल कर जाएगा यहाँ पर चाइना फिर से मैनिपुलेट करके इसके प्राइस को बढ़ाएगा। ये बात मेरी आज आप नोट कर लीजिएगा कुछ दिनों बाद वो कितने महीने बाद अपडेट आएगा मैं बताऊंगा जब यहाँ पर चाइना बिटकॉइन को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा और बिटकॉइन एक बार फिर से यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा और फॉल करने वाला है। कितना फॉल करने वाला है चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी वांस ऑफ बिगेस्ट क्रैश इन द वर्ल्ड हिस्ट्री एक्सपेक्ट $24 के बिटकॉइन प्राइस। अब दोस्तों रिच डैड पुअर डैड पुस्तक आपको पता ही होगा इसके जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी हैं बहुत ही बड़े यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी हैं और दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल के बारे में देखा जाए तो इनके जो प्रेडिक्शन है वो काफी काम के सिद्ध होते हैं और इनकी बातों पर बहुत ज्यादा बिलीव भी किया जाता है। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत जल्दी $24 के तक जाएगा। ये क्या कहते हैं चलिए इनका देख लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द रिच डैड एंड पुअर डैड हैज प्रेडिक्टेड द बिगेस्ट क्रैश इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ही ऑल्सो एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बिटकॉइन टू फॉल टू $24 के लेवल। रॉबर्ट कियोसाकी फॉर सी बिगेस्ट क्रैश इन द हिस्ट्री कमिंग। फेमस ऑथर एंड इन्वेस्टर रॉबर्ट कियोसाकी हैज प्रेडिक्टेड दैट द बिगेस्ट क्रैश इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नो ऑन द वे। रिच डैड पुअर डैड 1997 बुक को ऑथर्ड बाय द कियोसाकी एंड शैरन लीथर इट हैज बीन ऑन द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट ऑफ द ओवर 6 ईयर। ओवर 32 million कॉपीज ऑफ द बुक्स हैज बीन सोल्ड। द स्यूडोनोमिस क्रिएटर ऑफ द पॉपुलर स्टॉक टू फ्लो ऐप टू ऐप। अच्छा ये दोस्तों यहाँ पर इन्होंने तो बोला कि ये वेट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस $24 के जाए लेकिन दोस्तों इनका कहने का मतलब ये नहीं है कि ये जाएगा तो बिटकॉइन बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि इन्होंने ये बात भी शार्प मेंशन की है कि $24 के जाए इसके लिए वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं इंतजार कर रहे हैं ताकि $24 के जाने के बाद यहाँ पर इसका प्राइस बढ़े तो ये इसे खरीदें। ये बिटकॉइन को खरीदना भी चाहते हैं लेकिन बोल रहे हैं अभी थोड़ा सा प्राइस और नीचे जाएगा उसके बाद यहाँ पर इस बिटकॉइन को खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों अभी $29 के तक तो आज पहुँच ही गया था। $30 के या 30 point something dollar के अभी इसका प्राइस चल रहा है। $24 के जाएगा ही जाएगा बिटकॉइन का प्राइस इसमें कोई भी डाउट नहीं है जिस स्पीड से नीचे की तरफ गिर रहा है। आइडियली बिटकॉइन का प्राइस $62,000 के तक गया था। अब मैं यहाँ पर 2017 का एग्जांपल लूँ तो 2017 में 20,000 के तक गया था और 20,000 के से वापस जो आया था $3.5 के तक आया था। यानी अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1/7 गिर गया था। 1/7 गिरने के लिए $60,000 से $10,000 तक बिटकॉइन के प्राइस को पहुंचना पड़ेगा। और दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस अगर $10,000 तक पहुंच भी जाए आने वाले समय में तो दोस्तों इसके बारे में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी मैं आपको ये बता दूं। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको याद रखना है और दोस्तों दो तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं साथ ही कहा यह भी जा रहा है ये भी एक बहुत ही बड़े मीडिया का पब्लिशिंग है। बेस्ट केस सिनेरियो $450 के वर्स्ट केस सिनेरियो $135 के और इन्होंने ये बोला है कि 2021 के अंत तक या 2022 के शुरुआत में बिटकॉइन का प्राइस वर्स्ट केस बिल्कुल सिनेरियो होता है घटिया से घटिया तब भी $135 के यानी $135,000 तक पहुंच जाएगा। यानी आज के कंपैरिजन में इसके प्राइस को यहां तक जाने के लिए लगभग 5 गुना बढ़ना होगा और अच्छे केस में तो $450 के तक जा सकता है और यहां तक जाने के लिए इसके प्राइस को आज की डेट में अगर देखा जाए तो उससे 15 गुना बढ़ना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी बिटकॉइन का प्राइस और गिर सकता है दोस्तों $24 के तक नहीं $10 के तक जा सकता है क्योंकि ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है 2017 वाली। अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर और थोड़ा सा कम जा सकता है और ये हमें पता है कि बिटकॉइन का प्राइस गिरता है तो दूसरे अल्ट कॉइन्स का प्राइस भी यहाँ पर गिरता है। लेकिन आज जो अभी बिगेस्ट डिप चल रहा है अभी थोड़ा सा होल्ड करने की आपको ज़रूरत है। 1-2 दिन का यहाँ पर वेट करें और दोस्तों अप आएगा ही आएगा बहुत जल्दी अप आएगा। जब अप आएगा 10%, 20%, 30%, 40% तक आएगा तो दोस्तों उसे वहाँ पर आप निकाल दें बेच दें जैसे ही बड़ा यहाँ पर आप पाए बेच दें और उसके बाद थोड़ा सा वेट करें 2-3 महीने का वेट आपको करना है ज़्यादा नहीं करना है। अभी जो दोस्तों आपको पता है कि जून का लास्ट चल रहा है जुलाई अगस्त और सितंबर मैं आपको बता दूं अक्टूबर का एक ऐसा महीना आएगा जब बिटकॉइन और दूसरे जो अल्ट कॉइन्स हैं उनका प्राइस
बिल्कुल लो लेवल पर होएगा, और अक्टूबर के बाद मैं आपको बता दूं नवंबर दिसंबर में बिटकॉइन का प्राइस फिर से यहां पर रिकवर होना शुरू होगा। और दोस्तों इस बार जो बिटकॉइन का प्राइस जाएगा वो $400 के को लेवल को पार करेगा, लेकिन दोस्तों उसे पार करने में थोड़ा डाउट है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने बिटकॉइन या दूसरे अल्टकॉइंस खरीद ले लेकिन बहुत ही बड़ा लॉस कर लिया, देखिए दोस्तों अगर लॉस करने की आप सोचेंगे तो लॉस आपने तब कर लिया जब इस बिगेस्ट डिप में ये बिटकॉइन या दूसरे अल्टकॉइंस आपने बेच दिए। ऐसा नहीं करना है, आपको होल्ड करके रखना है, भले ही आपको 2 साल होल्ड करना पड़े, 2 साल अगर आप होल्ड कर लेते हैं तो दोस्तों ये जो आपने इन्वेस्ट किया है भले ही इसमें आपको एक बड़ा लॉस अभी दिख रहा हो, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपका 10 गुना 20 गुना 100 गुना 1000 गुना बनेगा ही बनेगा आने वाले समय में, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज आने वाले समय की करेंसीज हैं। एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर आदमी अगर कुछ दिन के लिए इस सबको मैनिपुलेशन कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मार्केट खत्म हो जाता है। दोस्तों शेयर मार्केटिंग में भी ऐसा होता है, शेयर मार्केटिंग में कभी कभी बहुत बड़ा फॉल आ जाता है और काफी अच्छी अच्छी कंपनीज का आ जाता है। आज ही अगर आप देखेंगे तो आरती इंडस्ट्रीज जाकर सर्च करें गूगल पर, आरती इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ही बड़ा लगातार बहुत ही अच्छा ग्रोथ यहां पर दे रही थी, वो सडनली 50% 60% 70% तक गिर गई एक ही दिन में। शेयर मार्केटिंग में भी ऐसा होता है, क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में भी ऐसा होता है। तो दोस्तों यहां पर कोई बड़ी बात इस चीज को रिगार्डिंग नहीं है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था ये सब, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि बिटकॉइन से आपको अपडेट रहना है, यहां पर अभी नहीं खरीदना है क्योंकि अभी दोस्तों मार्केट में गड़बड़ है, जो सेल करना है अभी हाइप आएगा उस सेल में आप यहां पर सेल कर देते हैं लंबे लॉस को से बचने के लिए, लेकिन डेली बेसिस पर यहाँ पर आपको अपडेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बार जो अपडेट आएगा क्रिप्टो करेंसीज में, इस बार जो गिरने के बाद प्राइस क्रिप्टो करेंसीज का बिटकॉइन का और दूसरे अल्टकॉइंस का बढ़ना शुरू होगा, वो आपको लाखों गुना का प्रॉफिट देकर जाएगा ही जाएगा। डेली बेसिस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। बात कर लेते हैं कि 200 करोड़ शिविनु कॉइन्स का जो बिगेस्ट गिव अवे चल रहा है उसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, और साथ ही दोस्तों अगर आपको फिक्स तौर पर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ ना कुछ बिटकॉइन चाहिए ही चाहिए तो दोस्तों यहां पर आपको डबल बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पर मैंने रेफरल वहाँ पर उसका नाम दिया है अनमनी, वहाँ पर नाम दिया है मैंने साइन अप कंप्लीट KYC एंड अनफ्री BTC। तो यहाँ पर जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वहाँ पर आपको करना क्या है, साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद KYC कंप्लीट करनी है, KYC कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ रुपए के फ्री बिटकॉइन मिलेंगे। अब वो जो फ्री बिटकॉइन मिलेंगे उससे आप शिबा इनू कॉइन खरीद सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में शिबा इनू का कॉइन अच्छा खासा वहाँ पर बढ़ेगा ही। तो दोस्तों ये जो BTC हैं शिबा इनू कॉइन जो मिलेंगे इसमें आपको कम से कम मतलब 1 लाख के आसपास मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से शिबा इनू में अच्छा खासा पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आप साइन अप करके KYC कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर $15,000 गिव अवे के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें यहाँ पर कम से कम जो 30 के आसपास यूजर हैं उन्हें $100 के आसपास गिव अवे में मिल जाएंगे, जो कि उन्हें मैटिक मिलेगा, और बाकी जो 7,000 6,000 के आसपास यूजर्स होंगे उन्हें आपको जो बाकी के कुछ मैटिक मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर गिव अवे में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गारंटीड यहाँ पर इनकम भी मिलेगी आपको, बिटकॉइन भी मिलेगी बिल्कुल फ्री में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर आप साइन अप करें, साइन अप कंप्लीट KYC एंड अनफ्री BTC, साइन अप करें, KYC कंप्लीट करें, यहाँ पर आपको कुछ फ्री BTC मिलेंगी जिससे कोई भी कॉइन आप खरीद सकते हैं। साथ ही दोस्तों जैसे ही आप साइन अप करके KYC कंप्लीट करेंगे तो वहीं पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि ये गिव अवे अमाउंट आपको कैसे विन करना है। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है, वो जरूर ज्वाइन कर लें ताकि वहां पर भी हम आपको इसके बारे में अपडेट दे दें। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी डिटेल्स हैं, आपको समझ आ गया होगा कि बिटकॉइन का प्राइस अभी क्यों गिर रहा है, हालांकि गिरने के बाद ये बढ़ेगा भी कब बढ़ेगा, हम आपको उसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।